बदायूं जिले के दातागंज तहसील में ग्राम मजरा चित्री में विद्युत विभाग की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। गौर करें, हजरतपुर सजनी रोड पर ग्राम मजरा चित्री में 11,000 वोल्टेज की सप्लाई लाइन का खंभा टूटा हुआ है, जिसके कारण तार नीचे की तरफ लटके रहते हैं। खंभा पंडित रामचंद्र मिश्रा जी के मकान के आगे लगा हुआ है, जो कि ऊपर से टूट कर लटक रहा है। यह खंभा किसी भी समय दुर्घटना का कारण बन सकता है। ग्रामीणों ने बताया कि यह खंभा पिछले 6 महीनों से टूटा है। आंधी की वजह से यह खंभा टूट गया था। इसमें 11,000 वोल्टेज की सप्लाई भी मौजूद है। ग्रामीणों ने बताया कि कई बार लाइनमैन से शिकायत की गई, लेकिन लाइनमैन दिनेश यादव ने कभी इस बार पर ध्यान नहीं दिया। शिकायत को दातागंज बिजली घर पर भी किया गया, लेकिन वहां से कोई राहत नहीं मिली। विद्युत महकमा ध्यान नहीं दे रहा। आज ग्रामीणों का सवाल यह है कि क्या यही है अच्छे दिनों की शुरुआत? इसका कोई नतीजा नहीं निकला, आपके पास कोई वापस जवाब नहीं आ पाया? नहीं नहीं, वो जेई वहाँ से लिख के भेज देते हैं कि वो सब ठीक ठाक चल रहा है, और लेकिन यहाँ पे कोई नहीं आता। यहाँ लाइनमैन भी नहीं आते हैं? लाइनमैन भी नहीं आता। कौन लाइनमैन है आपके? लाइनमैन है दिनेश यादव। दिनेश यादव, उन्हें संज्ञान है इस चीज़ का? संज्ञान पता, उन्हें पता है, पूरा संज्ञान है। 20-30 हज़ार रुपये खर्च होंगे तब ठीक होगी। अब 20-30 हज़ार रुपये कहाँ से आए, तो जब कितना बिल भी दे रहे हैं उसका। अच्छा, आज तक आप लोगों ने जो कंप्लेंट की है, फ़ोन के जरिए ही या लिखित में भी कोई कंप्लेंट की है? फ़ोन के जरिए ही की हैं और मौखिक तौर पे भी की हैं। नहीं, मौखिक तो कोई मतलब नहीं बनता इन चीज़ों का। लिखित कंप्लेंट कहाँ पे की है आपने? लिखित कंप्लेंट ऑन पेपर? ऑनलाइन ही, ऑनलाइन ही की हैं। ऑनलाइन तो लिखित की जाती है ना? ये बात। तो उसका प्रूफ होगा आपके पास कोई? जो नंबर होता है, रिसीविंग नंबर, वो भी है। रिसीविंग नंबर है आपके पास? बता सकते हैं आप रिसीविंग नंबर क्या है, किसके लिए कंप्लेंट की थी, वो रिसीविंग नंबर आप बता दीजिए। ये कंप्लेंट की थी अधिशासी अभियंता विद्युत विभाग के लिए। अधिशासी अभियंता विद्युत विभाग, खंड 2। कंप्लेंट नंबर क्या है? शिकायत संख्या है 400-1492-00-1494-0। एक बार दोबारा बताइएगा। 400-1492-00-1494-0। आपके लिए कोई यहाँ से राहत नहीं मिली? कोई राहत नहीं मिली। यहाँ दूसरी बात ये है कि हमारी जो लाइन यहाँ पे जो चल रही है, वो पुरानी लाइन से भी अभी भी जुड़ी हुई है। अच्छा जी, जबकि ये पुरानी लाइन केवल ट्यूबवेलों के लिए है। अच्छा, ये जो लाइन डाली गई थी वो केवल ट्यूबवेल के लिए डाली गई थी? हाँ, ट्यूबवेल वाली है। अब जो नई लाइन पड़ी है उससे अभी भी ज्वाइंट नहीं हुई। नहीं तो, लेकिन एक चीज़ है, ट्यूबवेल के लिए तो 3 फेस जाते हैं, न्यूट्रल होता नहीं है उस पे, फिर आप लोग कैसे चला रहे हैं? नहीं, ये जो ओल्ड लाइन पड़ी हुई है, जो हमारे दातागंज से आई हुई है, वो अब केवल ट्यूबवेलों के लिए की गई है। अच्छा अच्छा, 4 घंटे की लाइट आती है? 4 घंटे? हाँ, जबकि उसके 18 घंटे है जो ग्रामीण जो है घरेलू उपयोग। हाँ नहीं, 18 घंटे होनी भी चाहिए, लेकिन जबकि ये हमारी ट्यूबवेल वाली लाइन है, फिर भी वो उसके बावजूद भी तार वार टूटे हैं, वो भी नहीं आ रही है। नया ट्रांसफार्मर रखा उधर तो आपके यहाँ एक खंभा तो ये देख ही रहे हैं सामने। अच्छा, आगे भी टूटा हुआ है, कहाँ पर टूटा है दिखाएंगे आप जरा मुझे, कहाँ पर? चलिए दिखाइए चल के। बहुत पुराने लटक रहे।